स्मॉल विला डिज़ाइन और 24x50 की जगह में। और आज हम फोकस करेंगे लाइटिंग के ऊपर, कैसे आप अपने घरों के अंदर लाइटिंग का यूज़ करते हुए अपने घर को बड़ा और सुंदर दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले आप देखिए इस घर की ग्लिम्स, फिर हम चलेंगे इसको पूरा का पूरा देखने। लाइटिंग को इसीलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि हम रात को शूट कर रहे हैं और रात को उसका नज़ारा भी अलग ही नज़र आ रहा है। इन्हांस करना है अपने घर को, उसी तरीके की लाइटिंग लगाइए जिस तरीके का आपका बैकग्राउंड है ना। अच्छा काम किया गया हमने CNC कटिंग के साथ लैम्प डिजाइनिंग का, कितना करें तो आप व्हाइट लाइट लगाएं, वास्तु में भी उसी तरीके का काम किया गया। व्हाइट लाइटिंग आपको डिप्रेशन से दूर रखता है, अगर जो 4K लाइटिंग और लाइटिंग लगाओगे। इस घर के ब्यूटीफुल गेट्स, अभी जो घर है 24x50 के अंदर बहुत ही शानदार लोकेशन में है। और आज हम फोकस करेंगे कि कैसे आप अपने घरों को लाइटिंग से यूज़ करते हुए, कैसे लाइट्स यूज़ करते हुए आप प्रॉपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मतलब आज देखें कि हम बिल्कुल पूरी रात में शूट कर रहे हैं, इसलिए रात में शूट कर रहे हैं क्योंकि आपको नज़ारा समझ आए कि किस तरीके से आप लाइटिंग को यूज़ करते हैं आपका घर इन्हांस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी वैल्यू को। अब जैसे मैं फ्रंट एलिवेशन पे बात करता हूँ तो बहुत ही सुंदर हमने वाइट टाइलिंग और लाइट ब्राउन टाइलिंग और ग्रे का बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन किया। और लाइटिंग देखिए कितना ज़बरदस्त इसके साथ इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने प्रॉपर वाइट लाइटिंग का काम किया हुआ है पूरी की पूरी फ्रंट एलिवेशन में, और लाइट ब्राउन को सुंदर कॉम्बिनेशन दे रखा है और WPC का काम किया है। लाइट ग्रे के अंदर इसका पिलर्स का डिज़ाइन है, और यहाँ पे भी देखिए लाइट ब्राउन के पिलर्स हैं जिसके अंदर हमने प्रॉपर लाइटिंग का इस्तेमाल किया हमारे एरियाज़ के अंदर। जैसे हमारे पिलर्स के अंदर कितनी सुंदर लाइटिंग है, तो मैं लाइटिंग के इफेक्ट से कितना सुंदर आपका घर बन सकता है आप इस विंडियो के अंदर प्रॉपर जान पा रहे हैं। अब इसको 24 फुट को हमने किस तरीके से डिवाइड किया, तकरीबन हमने 12 फुट का ये एरिया कर दिया है, 12 फुट का वो एरिया। 12 फुट में हमने बेसिकली बाउंड्री वॉल ना बनाते हुए यहाँ पर हमने ग्रिल्स का डिज़ाइन किया जिसमें हमने ग्रे कलर के डिको पेंट का काम किया, तो बहुत ही सुंदर। यहाँ पर भी हमने टाइलिंग का बहुत सुंदर इस्तेमाल कर दिया गया, यहाँ पर भी लाइट ब्राउन की टाइलिंग है उसके ऊपर बहुत ही सुंदर, जो तकरीबन 8 फुट के ऊपर पिलर्स है, तो लुक में वो और भी ग्रैंड नज़र आ रहा है। ग्रैंड इसीलिए नज़र आ रहा है कि लाइटिंग का इस्तेमाल इस तरीके से किया है जिसमें आपका ग्रैंड नज़र आता है, इसीलिए सिमिलर यहाँ पे भी एक पिलर। फिर यहाँ पर आ जाता है 10 फुट का मेन गेट और बहुत ही सुंदर फ्रंट एलिवेशन। आप देखिए इसकी फ्रंट एलिवेशन को, देखिए कितनी सुंदर फ्रंट एलिवेशन है। अब यहाँ पर जो हमने प्रॉपर इन्हांसमेंट किया है हमारी लाइटिंग से, है ना, तो मैं लाइट फ्रेंड्स आपने देखिए कितनी सुंदर फ्रंट एलिवेशन है। अब यहाँ पर जो हमने प्रॉपर इन्हांसमेंट किया है हमारी लाइटिंग से, है ना, तो मैं लाइटिंग को इसीलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि हम रात को शूट कर रहे हैं और रात को उसका नज़ारा भी अलग ही नज़र आ रहा था। जैसे पिलर्स पे भी जो लाइटिंग है क्या ज़बरदस्त। अब यहाँ पर भी जो गेट बनाया है उसमें डिकोपेंट और WPC का बहुत ही सुंदर काम। अब चलेंगे इस घर के अंदर, जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर करते हैं हमें मिलता है ग्रैंड एंट्रेंस। ग्रैंड एंट्रेंस में वेलकम वॉल्स, वेलकम वॉल में हमने ग्रीन कलर का ग्रास लगाया, बीच में हमने वाइट लाइटिंग का काम किया जो कि और भी ज़बरदस्त लुक दे रही है। स्मॉल डिज़ाइन आइडियाज़, विला डिज़ाइन आइडियाज़ के अंदर लाइटिंग के अंदर हम फोकस कर रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर हमारी स्टेयर्स जा रही है जिसमें हमने नीचे डार्क ब्राउन ग्रेनाइट का बहुत ही सुंदर काम किया जो कि कॉम्बिनेशन दे रहा है हमारे ग्रे के साथ, और ग्रीन का बहुत ही ज़बरदस्त लुक। यहाँ से हमारी स्टेयर्स जा रही है जिसमें भी हमने ब्लैक ब्राउन ग्रेनाइट का बहुत ही सुंदर काम हुआ। और फ्रंट एलिवेशन में जैसे मैं बता रहा हूँ फ्रंट एरिया फ्रंट कोर्टयार्ड बनाया जो तकरीबन हमारा 4 फुट की चौड़ाई में और 12 फुट लंबा एरिया, और यहाँ पर भी हमने लाइट ब्राउन का बहुत ही सुंदर काम किया है कॉम्बिनेशन, और लाइटिंग उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, है ना, वाइट की लाइटिंग और वाइट टाइलिंग को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। अगर जिसके अंदर आप ब्राउन लाइटिंग लगाएंगे और ब्राउन को करना है तो वो उस तरीके से कॉम्प्लीमेंट होता है। तो आपको हमेशा इन्हांस करना है अपने घर को, उसी तरीके की लाइटिंग लगाइए जिस तरीके का आपका बैकग्राउंड है, है ना। अगर जो आपका ब्राउन है तो आपको ब्राउन को इन्हांस करना है तो लाइट येलो कलर की लाइटिंग लगाएं। तो अंदर चल के मैं बताऊँगा किस तरीके से और भी आप लाइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पे फ्रंट कोर्टयार्ड, यहाँ पर आपका एरिया पॉश एरिया जहाँ पर आपकी घर के अंदर एक गाड़ी पार्क हो सकती है। डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 12x10 का बहुत ही सुंदर एरिया और बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन के साथ आप देखिए। ये
फ्रंट कोर्टयार्ड के व्यूज को। अब यहाँ पर जो हमारा मेन गेट है ना, इसमें हमने मेन गेट है जो मेन डोर है उसको अलग से लगाया, फिर अंदर एक मैश डोर और ग्लास विंडो का काम किया जो कि हमेशा ओपन रहेगा। फ्रेंड्स, मैं हूँ अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नोक्रेट अंशुल। सो फ्रेंड, लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। घर के अंदर एंटर करते हैं, हमें मिलता है ब्यूटीफुल वॉव फैक्टर। और वॉव फैक्टर क्यों मिल रहा है, हमारी लाइटिंग क्या जबरदस्त है। यहाँ पर दो लैंप्स लगे हुए हैं, रॉयल लुक में दो लैंप्स हैं और रॉयल कलर का वॉलपेपर है, डार्क ब्राउन और ग्रे का अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारे वॉलपेपर का। उसके साथ बहुत ही सुंदर इन्हांसमेंट अलाइट की, क्या ज़बरदस्त लाइटिंग आपको नज़र आ रही है अपने कैमरा स्क्रीन पर। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस तरीके से आपको लाइटिंग लग रही है। सिमिलर लाइटिंग हमने इसके लिए शैंडलियर लगाया हुआ है, गोल घूमता हुआ शैंडलियर डिज़ाइन, कितना ज़बरदस्त। आपको अब वो कलर भी चेंज कर रहा है, कभी पर्पल हो रहा है, कभी पिंक हो रहा है, अच्छा कॉम्बिनेशन। मतलब आप जब घर में एंटर कर रहे हैं आपका नज़र सिर्फ और सिर्फ शैंडलियर के ऊपर पड़ रही है। उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है दोबारा से एक लैम्प, और यहाँ पर भी अच्छा काम किया गया है हमने CNC कटिंग के साथ लैम्प डिज़ाइनिंग का। कितना सुंदर आपका लाइटिंग का डिज़ाइन है, कितना ज़बरदस्त आपको लग रहा है। इसको कुछ नहीं किया है, सिंपल हम CNC करी है, उसके नीचे एक रैलिक शीट लगा दी गई है और वो कलर के साथ, ब्राउन कलर के साथ इन्हांस करी है लुक में ज़बरदस्त। ये LED TV यूनिट आपका आ गया है, वहाँ पर आपकी सारी वायर्स सब कुछ डली हुई है। और जो मैं ड्राइंग रूम की बात करूं, इसकी डिमेंशंस तकरीबन 11x15 का बहुत ही शानदार एरिया, और यहां पर हमने 2x4 की आपकी टाइलिंग का इस्तेमाल किया है। सारा का सारा लाइट ब्राउन कलर का कलर है और यहां पर डार्क ग्रे को कंबाइन करते हुए बहुत ही सुंदर, और बहुत ही सुंदर सीलिंग डिज़ाइन है। सीलिंग में भी हमने देखिए लाइटिंग का इस्तेमाल किया, 3 लाइट यहाँ पर हैं, 2 लाइटें वहाँ पर हैं बीच में, और 3 लाइटें फिर उधर हैं, और 4K लाइटिंग के अंदर हमने कोव लाइटिंग का वर्क कर दिया का। तो बहुत ही सुंदर लाइटिंग का नज़ारा आप वीडियो में पहली बार देख रहे हैं। यूट्यूब पर ऐसा वीडियो मेरा दावा नहीं मिलेगा। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो नीचे के सब्सक्राइब बटन को दबा दें, आप देखिए इसके ड्राइंग रूम को। इसके मॉड्यूलर किचन की तरफ, उधर भी मैं थोड़ा सा लाइटिंग को इनहांस करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक स्टैंड अलोन एक लैंप लगा दिया है जो लुक में ज़बरदस्त लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही सुंदर 2 लाइटिंग है जो हमारे फोकस कर रही है हमारे शेल्फ पे। जैसे हम काम कर रहे हैं तो हमें फोकस कर रही है किस तरीके से आप शेल्फ में काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अपनी गैस पाइपलाइन का वर्क किया है, यहाँ पर आपका डबल सिंक है एंटी नॉइज़ वाला, यहाँ पर आपका प्रॉपर वेंटिलेटेड एरियाज हैं, वेंटिलेशन के प्रॉपर एग्जॉस्ट फैन, यहाँ पर आपका क्लीन एरिया आ जाएगा। उसके साथ बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन किया है डार्क ब्राउन और वाइट का, बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन। और जो भी आजकल की मॉड्यूलर किचन में चीज़ें चल रही हैं उस तरीके की सॉफ्ट एनक्लोजर के साथ एज इट इज़ मिलेगा। और लाइटिंग को फोकस करते हुए जैसे मैंने बताया कि हमने लैम्प उस तरीके से लगाए कि आप जैसे किचन में कुछ काम कर रहे हैं 32 इंच की स्लैब के ऊपर, तो वो लाइट आपको कॉम्प्लीमेंट करिए, मतलब आपको पता लग रहा है कि लाइट में कैसे होता है। अगर जो आप जैसे यहाँ पे ब्राउन कलर की लाइट लगाएंगे वो फ़ायदेमंद नहीं है, वाइट कलर की लाइट लगाएं। आपने ड्राइंग रूम में अलग अलग कॉम्बिनेशन की लगा सकते हैं, लेकिन अगर जो बेडरूम किचन की बात करें तो आप वाइट लाइट लगाएं। वास्तु में भी उसी तरीके का काम किया गया है, बहुत ही सुंदर किचन। और यहाँ पर आपका डबल डोर का फ्रिज भी आ जाएगा, तो बहुत ही शानदार एरियाज आप देखिए। इसकी देख लिया किचन, अब मैं बिल्कुल सेंटर ऑफ द घर के बीच में खड़ा हूँ, थोड़ा सा आपको नक्शा बता दूँ। यहाँ से हम एंटर किए थे, यहाँ पे आपका है ड्राइंग डाइनिंग एरिया, यहाँ पर किचन है और पीछे डोर बेडरूम है, और स्पेशियस बेडरूम बनाया हुआ है और बहुत ही सुंदर डोर डिज़ाइन भी है। अंदर भी डोर डिज़ाइन के अंदर हमने फ्लश डोर का काम किया, उसके अंदर माइका का काम कर दिया और ग्रूव्स काट के बहुत ही ज़बरदस्त लुक में। अब चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आ गए हैं इसके फर्स्ट बेडरूम, इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 11x12 का बहुत ही शानदार कमरा है। और इसके अंदर भी मैं लाइट की ही बात करूँगा क्योंकि आपने मेरी और इंटीरियर डिज़ाइन के वीडियोस देखे हैं तो उसमें आपको बेडरूम डिज़ाइन तो पता ही लगता है, लेकिन लाइटिंग का क्या इफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर हमने प्रॉपर वाइट लाइट का इस्तेमाल किया है हमने पूरे रूम के अंदर, और वाइट लाइट के अंदर डियर का जो एरिया है देखिए कितना सुंदर आपका वो डियर लग रहा है ना, मतलब हिरन जिसको बोलेंगे, और वो वाइट के साथ बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन किया है, मतलब गोल्डन सा वो लुक में जबरदस्त। उसके साथ व्हाइट लाइटिंग का वर्क है हमारे
फॉल सीलिंग के अंदर, बहुत ही सुंदर फॉल सीलिंग डिजाइन है और 4K लाइटिंग बीच में घूम रही है। लेकिन व्हाइट लाइट का ये फायदा रह रहा है कि आपको प्रॉपर लुक नजर आ रहा है यहाँ पर, है ना। आप रात को बैठ के कुछ काम कर रहे हैं यार, बच्चे पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, व्हाइट लाइटिंग आपको डिप्रेशन से दूर रखता है। अगर जो 4K लाइटिंग और लाइटिंग लगाओगे वो थोड़ा सा अच्छा तो लगता है थोड़े दिन, लेकिन वो डिप्रेशन का भी शिकार होने का बंदा रहता है। तो मैं आपको कहूँगा कि वास्तु में भी यही है और उस तरीके से भी, मतलब साइंस भी वही बोलती है कि आप व्हाइट लाइटिंग का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आपका बहुत ही सुंदर वार्डरोब डिज़ाइन है, है ना। कितना सुंदर आपका स्लाइडिंग डोर्स के साथ वार्डरोब है और अंदर से भी लैमिनेटेड है प्रॉपर डेप्थ तक एंड 2.5 फुट की, और यहाँ पर आपका हैंगर डिज़ाइन आ जाएगा। इसके साथ यहाँ पे आ जाता है हमारा बहुत ही सुंदर LED TV यूनिट डिज़ाइन, और इसके अंदर भी हमने प्रॉपर एरियाज डिफाइंड है जहाँ पे आपकी वायर्स वगैरह छोड़ी है हमने, जहाँ पे आपका केबल वगैरह के कनेक्शंस या OTT के प्लेटफॉर्म्स, और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। यहाँ पे भी देखिए लाइटिंग हमने उस तरीके से किया है, देखिए यहाँ पे 1 लाइट 2 लाइट, यहाँ पे 3 लाइट, वो कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है। तो लाइटिंग का एक बहुत बड़ा महत्व है आपके घर के अंदर। लोग मतलब रेड येलो ब्लू लगा देते हैं, वो बिल्कुल अच्छा लगता है। इसमें हमने देखिए कितनी एलिगेंट वाली डिज़ाइनिंग कर रखी है, कितना ज़बरदस्त स्मॉल विला डिज़ाइन और लाइटिंग को फोकस करते हुए आज देख रहे हैं आप। फर्स्ट बेडरूम आप देखिए इसको, अटैच वॉशरूम। इसकी डिमेंशंस की बात करूं तकरीबन 4x6 का बहुत ही शानदार वॉशरूम है। इसमें हमने लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का सुंदर कॉम्बिनेशन बनाया हमने टाइलिंग का, और इसमें क्या कि लाइटिंग हमने सिंपल क्या कि नॉर्मल सीलिंग डिजाइन रखा है और नॉर्मल लाइट लगा दीजिए तो बेस्ट रहता है। लोग क्या है कि इतनी सारी लाइटिंग लगा देते हैं हमारे वॉशरूम में, कुछ फायदा नहीं। सिंपल सीलिंग कराएं और नॉर्मल लाइटिंग लगा दें तो उसका व्हाइट लाइट, वो भी और एनहांस LED बल्ब जो आते हैं व्हाइट लाइट के, प्रॉपर वेंटिलेटेड एरियाज हैं, सारी एमिनिटीज हम लगा के देंगे और नीचे एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क है। तो बहुत ही सुंदर वॉशरूम है। इसके साथ ही चलते हैं इसके अटैच्ड बैक कोर्टयार्ड की तरफ। यहाँ पर भी प्रॉपर मेश विंडोज का काम है और क्या है कि इसे प्रॉपर वेंटिलेटेड है, और यहाँ पर आपका आ गया बैक कोर्टयार्ड एरिया। यहाँ पर भी देखिए हमने प्रॉपर बैक कोर्टयार्ड में अपनी टाइलिंग का इस्तेमाल किया, जहाँ पर आपकी बेसिकली वॉशिंग एरिया वगैरह बनता है। उसके साथ यहाँ पर भी हमने लाइटिंग देखी, कितना ज़बरदस्त लाइटिंग है, और ये सारी वायर्स जो हमने पहले से ही इसको डिफाइन कर दिया है। ये आपका सेकंड बेडरूम है, उसके साथ भी प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया, यहाँ पे वॉशरूम की वेंटिलेशन, बहुत ही सुंदर ग्रे टाइलिंग का ग्रे का वर्क। अब चलेंगे दोबारा सेकेंड बेडरूम की तरफ। सेकेंड बेडरूम कितना ज़बरदस्त बेडरूम है, उसमें हमने लाइट ग्रे कलर का काम किया था, इसमें लाइट ब्राउन कलर का काम किया, बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। हमने माइका डिज़ाइन का, बहुत ही सुंदर माइका डिज़ाइन है इसके अंदर, इसमें लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है, और बहुत ही सुंदर सीलिंग डिज़ाइन है जो कि हमने लाइटिंग के साथ और इन्हांस कर दिया है। देखिए 4K की लाइटिंग जो साइडों में 4K की लाइटिंग, इसमें लाइट ब्राउन कलर की लाइटिंग होती है उसको 4K की लाइटिंग बोलते हैं, और ये वाइट प्रॉपर वाइट कलर की लाइटिंग, तो कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब अगर जो आप सीलिंग कर रहे हैं तो वैसे तो वाइट रखें, यहाँ पर हमने थोड़ा सा डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन ज़्यादा कर दिया है, लेकिन क्या है कि जहाँ पर आपका बेड होता है वहाँ पर आप सीलिंग बिल्कुल प्लेन रखें तो उधर बेटर रहेगा। यहाँ पे ज़्यादा ही लाइटिंग की हुई है, वो मेरे को अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पर भी सुंदर कॉम्बिनेशन किया है हमने लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का। इसके साथ ही आया था हमारा अटैच वॉशरूम, ये भी लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का सुंदर कॉम्बिनेशन है। इसका 4x4 का बहुत ही सुंदर वॉशरूम, और सारी एमिनिटीज़ हम लगा के देंगे तो बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन आप देखिए इसके वॉशरूम और बेडरूम को। ग्राउंड एरिया यूज़ अब चलेंगे फर्स्ट फ्लोर। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे स्टेयर पे स्टील रेलिंग का वर्क और ब्लैक ग्रेनाइट का बहुत ही शानदार वर्क है। अभी इसका अंदर क्या है कि ये ग्रेनाइट का ये फायदा रहता है कि आप इसमें हैवी सामान लेके जा रहे हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे अभी रहने के लिए जैसे बेड वगैरह करना है तो वो टूटता नहीं है। यहाँ पर हमारे सारे के सारे MCB पैनल्स वगैरह, यहाँ पे आपका प्रॉपर एग्जॉस्ट का एरिया, और यहाँ पर कितना सुंदर फ्रंट एलिवेशन में जैसे मैंने बताया था बहुत ही अमेजिंग वर्क्स है। लाइट ग्रे और डार्क ग्रे का बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन किया है, कितना सुंदर कॉम्बिनेशन आपको फ्रंट एलिवेशन में नजर आ रहा है। लाइट ग्रे और डार्क ग्रे का बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन किया है, कितना सुंदर कॉम्बिनेशन आपको फ्रंट एलिवेशन में नजर आ रहा है।
हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, कितना सुंदर आपको एरियाज लग रहे हैं। अब यहाँ पर ये हमने कुछ बेसिकली फ्रंट एलिवेशन के सामने माउंटी सी बना दी गई है, उसमें हमने WPC का काम किया, कितना सुंदर काम है। जब जैसे मान लो आपको बारिश हो रही है, आप यहाँ पे बैठिए और इंजॉय कितने कितना मज़ा आता है ना, इस तरीके का काम किया। यहाँ पे हमने लाइट वाइट का सुंदर कॉम्बिनेशन किया टाइलिंग का, जो ग्रे ब्राउन के साथ बहुत ही सुंदर कॉम्बाइन कर रहा है, और यहाँ पर भी प्रॉपर ब्राउन एरिया, मतलब WPC का बहुत ही सुंदर काम। तो और ये मेंटेनेंस फ्री रहते हैं, ऐसा नहीं है कि WPC खराब हो जाता है, आपका फ्यूचर में भी अच्छा रहेगा। और उसके साथ भी बहुत ही सुंदर वाइट लाइटिंग का इन्हांसमेंट वाला वर्क, यहाँ पर भी बहुत ही शानदार एरियाज हैं जो हमारे माउंटेन एरिया है। इसमें भी हमने थोड़ी सी सीलिंग डाउन करके यहाँ पर आपकी 4 लाइट्स लगा दी हैं, और वो फ्रंट एलिवेशन के सामने से दिखती हैं तो वो इन्हांस करती हैं एरियाज को, बहुत ही ज़बरदस्त वर्क। अब चलेंगे इस घर के अंदर। फर्स्ट फ्लोर पर एक ही बेडरूम और थोड़ी सी किचन एरिया बनाया, ये आपकी किचन एरिया प्रॉपर। यहाँ पर आपका नीचे आपका कैबिनेट्स वगैरह आ सकते हैं। यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर का बहुत ही सुंदर ग्रेनाइट का वर्क है, बहुत ही शानदार वर्क है। इसके साथ ही आता है हमारा फर्स्ट बेडरूम, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ एक ही बेडरूम है। इसकी डिमेंशन की बात करूँ तो तकरीबन 12x12 का बहुत ही शानदार कमरा है, और इसके अंदर भी बहुत ही सुंदर सीलिंग डिज़ाइन है, जिसके अंदर 4K लाइटिंग का वर्क और वाइट लाइटिंग का सुंदर कॉम्बिनेशन, और उसको इन्हांस कर रहे हैं हमारा वॉलपेपर, कितना ग्रेसफुल वाला वॉलपेपर आपको कैमरा स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा फोकस करके दिखाएं कि कितना शानदार सिंपल सा एलिगेंट सा हमारा ये वॉलपेपर है, कितना शानदार लुक में, अमेजिंग वर्क में, लाइट के साथ और भी अमेजिंग लगे। और वाइट लाइटिंग का जो नज़ारा है ना इसके अंदर हमारे बेडरूम के अंदर, बहुत ही सुंदर है। और ये फ्रंट एलिवेशन के सामने हमारा बेडरूम खुल रहा है, जिसके अंदर हमने लाइटिंग का बेसिकली स्टील रेलिंग का वर्क किया गया, और बहुत ही सुंदर मैश विंडो। और इसके साथ ही आया था हमारा अटैच वॉशरूम, इसके अंदर हमने लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन टाइलिंग का बहुत ही सुंदर वर्क है। और ये है कि यहाँ पर प्रॉपर 10.5 फुट की ऊंचाई पे हमारी शेल्फ रेलिंग, तो बहुत ही सुंदर कंबाइंड एरिया अमेजिंग वर्क्स के साथ एज इट इज मिलेगा। हमारा एक बैक कोर्टयार्ड एरिया, बहुत ही स्पेशियस बैक कोर्टयार्ड, तकरीबन 24 फुट की चौड़ाई में और 20 फुट लंबा एरिया, और बहुत ही सुंदर काम किया गया हमारा टाइलिंग का। और यहाँ पर हमने सिंपल एक बल्ब लगाया हुआ है, लेकिन अगर जो आप लाइटिंग लगाएंगे तो 4K की LED लाइटिंग, तो LED लाइट्स में अच्छा लगता है। तो बहुत ही सुंदर एरियाज आप देखिए, आपको ये हमारी स्मॉल विला डिज़ाइन आइडिया और लाइटिंग को फोकस करते हुए चीज़ें। और देखिए कितना सुंदर लाइट, वो भी घूम रहा है, यहाँ पे भी लाइट, वो भी लाइट, और लाइटिंग का इफेक्ट कैसे आपके घर को इन्हांस कर सकता है, इस वीडियो के अंदर आप प्रॉपर जान पाए हैं। फ्रेंड्स, अगर जो चैनल पर पहली बार आए तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को दबा दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छा काम करें आपके लिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।